बोलो करो शुरू कर दो। नमस्कार सर, JK UT 7 में आपका स्वागत है। तो आज यहाँ पे विनय कुमार जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा ये कार्य हमने देखा। यहाँ पे मीडिया टीम यहाँ पे पहुँची तो लोगों को बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन ये दे रहे थे। तो सर थोड़ा सा हमें बताइए कि लोगों को किस तरह का अवेयर होना चाहिए, जो आज की नौजवान युवा पीढ़ी है, जो तीन तीन जो युवक सवार होकर आए दिन हादसों का शिकार बनते रहते हैं, तो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें सर। आपने देखा होगा कि रोज़ाना हम सुनते हैं एक्सीडेंट्स में कई जाने जा रही हैं, जिसमें नौजवान यूथ हमारे शामिल है उसमें। इस लाश को बचाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए हम अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, मेटाडोर ड्राइवर्स को उनसे बातचीत कर रहे हैं, सड़क पर रोक कर उनको एजुकेशन दे रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं करना है, आपने ओवरलोडिंग नहीं करनी है। ट्रैफिक जो हमारे ट्रैफिक के लोग रास्ते में खड़े हैं उनको मानना है, ट्रैफिक रूल्स को मानना है, जो उनकी हिदायतें हैं उनका पालन करना है, सीट बेल्ट को पहनना है, हेलमेट के बिना आपने निकलना नहीं है। अभी रिसेंटली 2-3 जाने गई हैं कठुआ और सांबा हाईवे पर, उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, एक ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। अगर उन्होंने हेलमेट पहनी होती तो शायद वो कीमती जाने बच सकती थी। तो हम ट्रैफिक वालों की लोगों से यही अपील है कि जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठो सीट बेल्ट पहन लो, ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखो, और अगर टू व्हीलर आप चला रहे हैं तो हेलमेट के बिना बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलो। टू व्हीलर के पीछे भी अगर ड्राइविंग सीट के पीछे भी अगर कोई बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि टू व्हीलर चलाने वाले को हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो इसमें हम लोगों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को जो भी घर से बाहर निकलते हैं टू व्हीलर लेके, उनको पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको ये हिदायत दें कि बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव यो लिया जा रहा है। तो यो मन चले युवक हैं उनके लिए जो यहाँ पे शिकंजा कसा जा रहा है, ये है यहाँ पे जो ये पार्क के पास ही है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं कि ओवरलोडिंग ना करें, क्योंकि आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। देखिए काफ़ी यहाँ पे ये पूछताछ हो रही है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो आए दिन यहाँ पे ये हादसे होते रहते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे और विनय जी अपने नेतृत्व में जो कि ट्रैफिक रूलर के USSP हैं, तो बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हो, हम भी चाहते हैं, घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अच्छी तरह घर पहुँचो, सुख शांति से घर पहुँचो। रोज़ कहीं ना कहीं पशु का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, तो हेलमेट क्यों नहीं पहनते? उसकी तो जानकारी है ना आपको, वो करने से आपको हेलमेट पहननी है, आपको हेलमेट पहननी है, इसमें कोई बहाना नहीं करना है, हेलमेट पहननी है, ठीक है? आगे वाला भी पहनेगा, पीछे जो बैठा है वो भी हेलमेट पहनेगा। डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के बिना बिल्कुल नहीं बाहर निकलना। और अगर आपने 4-5 बार ट्रैफिक रूल को वायलेट किया, चलान हुआ, उसके बाद हम लिख देंगे ऊपर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर आप कभी भी ड्राइविंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये काम मत करना, घर से बाहर जब भी निकलें हेलमेट पहननी है, जो पीछे बैठी है सवारी उसको भी हेलमेट पहनना है, और ये सबको बताना है, ठीक है? ठीक है सर।
आपका स्वागत है। आप पूरी उम्र गाड़ी नहीं चलाते, अब हम दिखते हैं, आज के बाद हम सब इसलिए चार से ज़्यादा चलाने में ड्राइविंग गाड़ी का परमिट।